नमस्कार, कैथल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हैं आप। उसी सुनील संधू के पास आज हम पहुंचे हैं, क्योंकि जैसा कि हमें खबर लगी है कि आज वह वार्ड नंबर 31 में पहुंचे हैं और बताया जो जा रहा है कि तीन जो बेटियां हैं, गरीब बेटियों की शादी को लेकर सुनील संधू ने आज जो सहयोग राशि और जो सामान, सिलाई मशीन और जो कपड़े यहाँ पर देके वो सहयोग देकर गए हैं। और भी लोग इनके साथ मौजूद थे और मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूँ, जो ये परिवार है उसका जो घर है आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जो काफ़ी पुराना है और जर्जर हालत में है। काफ़ी गरीब परिवार है और गरीबी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जो इस परिवार में तीन बेटियां हैं और इन बेटियों की शादियों के सहयोग को लेकर आज सुनील संधू यहां पर पहुंचे और अपने अन्य साथियों के साथ भी पहुंचे। इस मौके पर सुनील संधू और इनके साथियों का क्या कुछ कहना, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। यहां पर पहुंचे किस कार्य को लेकर आज? भाई, यहां हम कल भी आए थे तो कई दिन पहले रोहतास का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे 6 लड़कियाँ हैं, परिवार में कमाने वाला ना के बराबर है और एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल ज़रूरतमंद फैमिली है। तो हमने जो हमारे से कल हुआ, भाई गुप्त दान लगा लो अपने भाईचारे से, हमने इनकी कल मदद की तो हमने देखा भाई इसमें भी काम नहीं चलेगा क्योंकि तीन लड़कियों की शादी है। तो हमने वो वीडियो डाली थी सोशल मीडिया, भाई कोई भी आकर मदद करना चाहे तो अपने रमेश भाई हैं सोंगरी कल्याणा से, इन्होंने पहले भी कह रखा था भाई कोई ऐसी ज़रूरतमंद फैमिली हो मुझे बताना। तो मैंने इनसे बात की, इनके साले रहते हैं इटली में, वो मदद करना चाहते थे तो भाई ने कहा भाई हम अपनी तरफ से पैसे दे देंगे। तो वहाँ भाई रमेश नहीं, अब मनीष से बात करो वो सामान दे दे या खुद पैसे दे चलकर। तो भाई साथ आए हैं, इन्होंने तीन सिलाई मशीन और आंटी ने वीडियो देखी थी, आंटी ने अपनी तरफ से जो उनसे कन्यादान हुआ सूट हुए कुछ हमारे पास सूट रखे थे, ऐसे ही कुल मिला के जितनी आज हुई हमने आज भी मदद की, लेकिन अब भी ज़रूरत है यहाँ मदद की। इनके कल बारात आएगी, कल शादी है, तो जो भी अपनी ये वीडियो देखते हैं साथी उनको बताना चाहूँगा, ये सिरटा रोड गली नंबर 2 जाट धर्मशाला यहाँ बनने नगरी है और एक यहाँ वाल्मीकि समुदाय है, इसके बिल्कुल सामने है गली में, किसी से भी पूछ के बलवान का घर यहाँ आकर इनकी मदद करें। 8950793193। भाई यहाँ इनसे बात करके बलवान जी से, और नहीं तो यार शहर से कोई दूर थोड़े है, शहर में ही अपनी यहाँ के इनकी मदद करें, ये बस यही एक मोटिवेशन के लिए हम आए हैं भाई, ताकि एक दूसरे की मदद होती रहे। जो हाँ, भाईचारे के प्रति लगनशीलता है कि भाईचारा बढ़े रहो, भाईचारा बरकरार रहे और भाईचारे के प्रति सब कुछ है, एक दूसरे के निर्देश से एक दूसरा काम करता है। तो भाइयों ने निर्देश दिए तो हम पहुँचे, संधू जी पहुँचे, संधू जी को हमने कॉल किया। भाई साहब, हमारी तरफ से मनीष भाई का स्पेशल धन्यवाद, जो इतनी दूर बैठे हैं हमारे देश के जवान, उन्होंने अपने माध्यम बनकर अपने रिश्तेदार को भेजा रमेश भाई को और इनकी मदद की। मेरे साले साहब इटली में हैं तो उन्होंने बोला कि मैं मदद करना चाहता हूं, तो संधू साहब को मैं फॉलो करता हूं और इनके ज़रिए ये मदद पहुंचाई है जी। जितनी मदद हो सकती थी हमने की है और ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं संधू साहब। अभी जनता तो से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहता हूं, जो जितनी मदद कर सकता उतनी करे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, कोई ज़्यादा कर सकता कोई कम कर सकता। और इनके भाई हैं सत्यवान जी, वो भी सोंगरी से इटली सेट हैं, उन्होंने यहाँ आकर जाल भी बनवाए थे और अपने गांव में 850 के करीब पौधे भी लगाए थे, वो भाई भी वीडियो देखते थे और एक भाईचारा बन गया। जब भी अगर हम चाहें भाई वहाँ मदद करनी है, भाई कभी पीछे नहीं जाते, खुद चल कर आते हैं। इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।